मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे गारमेंट कंडीशन के सेटअप के बारे में और जानेंगे कि अपने गारमेंट बिजनेस के लिए किस तरह से दो जीएसटी कमोडिटीज सेट कर सकते हैं। वैसे तो जीएसटी सिस्टम में अपैरल सेक्टर को यानी कि क्लोथिंग को जीएसटी स्लैब 12% में रखा गया है। जीएसटी नियम के अनुसार 1000 रुपीज पर पीस के हिसाब से यदि सप्लायर की सेलिंग वैल्यू 1000 रुपीज से कम है तो जीएसटी रेट 5% लागू होगा और 1000 रुपीज से अधिक है तो जीएसटी 12% लागू होगा। चलिए मिरेकल में सेटअप से देखते हैं कि ये कमोडिटीज कैसे वर्क करती है। गो टू जीएसटी सेटअप, गारमेंट कंडीशन ऑप्शन को एनेबल करें। तुरंत ही एक ऑप्शन शो होगा। यहाँ गवर्नमेंट द्वारा दी गई 1000 रुपीज की थ्रेशोल्ड अमाउंट बाय डिफॉल्ट इंसर्टेड होगी। विदाउट 5% टैक्स 1000 रुपीज की अमाउंट होती है 952.38। इसे एडिट भी कर सकते हैं, फिर चेंजेस सेव करें। अब चलिए एक प्रोडक्ट दाखिल करते हैं। 3 नए फील्ड्स ऐड हुए देख सकते हैं। तो पहले प्रोडक्ट का नाम दाखिल करें, देन गारमेंट प्रोडक्ट में यस सिलेक्ट करें। तुरंत ही हम इस फील्ड में स्किप होंगे। यदि हमारे रेट्स 952.38 से कम होंगे तो जीएसटी 5% रेट लागू होगा। अगर 952.38 से ज्यादा हुए तो जीएसटी 12%। बाकी डिटेल्स दाखिल करके प्रोडक्ट सेव करें। मेक श्योर आपने सभी गारमेंट प्रोडक्ट्स में ये कमोडिटीज सेट की है। चलिए सेल्स इनवॉइस जनरेट करते हैं और देखते हैं हाउ इट वर्क्स। सेल्स इनवॉइस में अन्य डिटेल्स दाखिल करें। हमारी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं जिसकी एक पीस की सेलिंग रेट 952 से अधिक रखी हुई है तो फाइनल अमाउंट पर 12% जीएसटी लागू हुआ देख सकते हैं। पर यदि वही प्रोडक्ट 952 से कम रेट में सेल करते हैं तो फाइनल अमाउंट पर सिर्फ 5% जीएसटी लागू हुआ है। तो कुछ इस तरह से गारमेंट प्रोडक्ट्स के लिए दो कमोडिटीज वर्क करती है। यहाँ पर ये सेटअप समाप्त होता है। आपके क्वेश्चंस और सजेशंस कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।